जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले के बाद से ही सरकार हरकत में है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हाई लेवल मीटिंग बुलाकर मंथन कर रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी के निदेशक रॉ चीफ, एमएचए अधिकारी के साथ सुरक्षा हालात की समीक्षा की। हमले की निंदा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे कश्मीर में हमले की निंदा होने से सरकार की हौसला अफजाई हो रही है। राजनाथ सिंह ने इसके लिए कश्मीर की जनता को सलाम किया। बैठक से निकलकर अजीत डोभाल ने हमले के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी। वहीं हमले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले पर दुख जताने के लिए शब्द नहीं है। भारत ऐसे कायरतापूर्ण हमलों और घृणा के नापाक मंसूबों के आगे झुकने वाला नहीं। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री इस हमले की जिम्मेदारी लें और सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। साथ ही विपक्ष ये मुद्दा संसद के सत्र में भी उठाएगा। यात्रियों पर इस हमले ने देश की सुरक्षा एजेंसियों और राज्य सरकार को हिलाकर रख दिया है, इसीलिए बड़े अधिकारी खुद सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही राज्य के सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी हमले के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक बुलाई। सीएम महबूबा मुफ्ती ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी लिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बस का टायर कैसे पंक्चर हुआ, इसकी जाँच होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हमले से हर कश्मीरी का सर शर्म से झुका है। वहीं गुजरात सरकार ने भी आतंकी हमले में मारे गए अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि घायलों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। इस घटना में हताहत होने वाले अधिकांश लोग गुजरात से हैं। आपको बता दें कि सोमवार रात को अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 32 लोग घायल हो गए थे। मृत अमरनाथ यात्रियों में से 5 गुजरात से और 2 महाराष्ट्र से थे। देश में कहीं भी आतंकियों का हमला होता है तो सरकारी अधिकारियों की गाड़ी के चक्के घूमने लगते हैं। हाई लेवल मीटिंग, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके ना तो दहशतगर्द पकड़ में आते हैं और ना ही हमले कम होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ निंदा या बैठकों के दौर के अलावा सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? आखिर सरकार कब नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा ठीक से उठा पाएगी? देखते रहिए डीबी लाइव।